नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज ओमेन वर्सेज साउथ अफ्रीका ओमेन के बीच जो तीसरा ओमेन्स वर्ल्ड कप के मुकाबले के लिए जाएंगे, उसमें हमारी फैंटेसी की टीम क्या होंगी। हम यहां पे ए टू जेड बातें करेंगे जो आपको ना सिर्फ स्मॉल लीग मिनी जीएल जीएल में भी अच्छा रैंक दे सकता है। वेन्यू को ध्यान रखिएगा, मुकाबला खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में और मैच का टाइमिंग होगा 3:30। डे वाले मुकाबले होंगे, मतलब ड्यू के कोई चांसेस ऑलमोस्ट नहीं रहने वाले हैं और यहाँ पे जो है स्पिनर्स आपको गेम में जरूर दिखेंगे। फटाफट आइए हम बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स को लेके। तो दुबई में देखिएगा, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहता है वो 130-150 के बीच में होता है। हाईएस्ट टोटल 110 है, लोएस्ट टोटल यहाँ पे 66 है। अब यहाँ मैंने जो ओमेन मैच जो कंसीडर किया है ना, उसमें वह बेहद ही कम स्कोर बने हैं। मेंस मैच को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वेन्यू ओमेन्स टी20 स्टैट्स को लेकर बात कर लेंगे। टोटल मैच खेला गया है 5, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 2 मुकाबला, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 3 मुकाबला। अगर हम बात करें ओमेन्स टी20 स्कोरिंग पैटर्न को लेकर, बिलो स्कोर 150 बने 5 टाइम्स, उससे ऊपर अभी तक स्कोर नहीं गया है और मुझे लगता है नहीं जाएगा भी। अब आइए हम फटाफट बात करते हैं रिसेंट मुकाबला जो यहाँ पे खेला गया है उसमें कैसे क्या स्कोर बना हुआ है। तो 2 अक्टूबर 2023 को सबसे लास्ट मुकाबला खेला गया था, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि UAE ओमेन पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाती है 18 ओवर 3 गेंद में 66 रन, 10 विकेट नुकसान पे नामीबिया ओमेन लगाती है 12 ओवर 4 गेंद में 70 रन और यहाँ पे जो है टारगेट को 2 विकेट नुकसान पे चेस कर लेती है। फर्स्ट इनिंग पेसर 7, स्पिनर 3, सेकंड इनिंग पेसर 2, स्पिनर 0 विकेट। इससे पहले बात कर लेंगे 30 सितंबर, तो नामीबिया ओमेन लगाती है 20 ओवर में 98 रन 5 विकेट नुकसान पे। UAE ओमेन लगाती है महज 91 रन 20 ओवर में 9 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 2, स्पिनर 3, सेकंड इनिंग पेसर 3, स्पिनर 2 विकेट। इससे पहले 29 सितंबर 2023 को UAE ओमेन पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाती हैं 20 ओवर में 71 रन 8 विकेट नुकसान पे। जवाब में नामीबिया ओमेन लगाती हैं 8.4 ओवर में 72 रन 2 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 6, स्पिनर 1, सेकंड इनिंग पेसर 1, स्पिनर 1 विकेट। अब बात आती है पेस वर्सेज स्पिन, जो लास्ट के 3 ओमेन्स टी20 मुकाबला यहाँ पे खेला गया है, पेसर को मिला है 21 विकेट, स्पिनर के खाते में गई है जबरदस्त 10 विकेट। हेड टू हेड को लेकर बात करें ना, तो दोनों टीम आमने सामने आई है टोटल 21 टाइम्स, जहां पे 7 दफा जीती है साउथ अफ्रीका ओमेन और 14 बार जीत गई है वेस्ट इंडीज ओमेन। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे वेस्ट इंडीज ओमेन को फैंटी पड़ सकती है। इनके लिए बूस्टअप क्या है, इनकी 2 बड़ी लीजेंड प्लेयर स्टेफनी टेलर और डी डॉटिन अवेलेबल है और इनके लिए सबसे बड़ी झटका ये है कि इनकी स्टार गेंदबाज सबनिम इस्माइल अब नहीं रहेंगी टीम में, क्योंकि ऑलरेडी वो रिटायरमेंट ले चुकी है। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका ओमेन की, लास्ट 5 मैच विन लॉस नो रिजल्ट लेके आ रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वेस्ट इंडीज ओमेन का, ये विन लॉस करके आ रही है। अगर आप मुझसे पूछोगे राजा भाई आपका ओपिनियन इस मैच को लेके क्या है, मेरा मानना है साउथ अफ्रीका ओमेन जीतेंगी इस मैच को, वेस्ट इंडीज ओमेन हारने वाली है। अब आइए हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका ओमेन प्रैक्टिस मैच में कैसे क्या खेल के आ रही है। तो इनका देखिएगा, ये प्रैक्टिस मैच अगेंस्ट इंडिया हुआ था, जहां पे वलवाडे 29 की थी, टी ब्रिज 22, ए वॉस 3, सुने लूज 3, ट्रायन 24, एंडी क्लार्क 4, ए डायरेक्शन 21 और यहाँ पे जाफ्टा की थी 4 रन। गेंदबाजी में खाका ने 5 पर खोल दिए थे, 4 में 25 रन 5 विकेट, ट्रायन 3 में 18 रन 0 विकेट, सेकुकु ने 3 ओवर 28 रन 0 विकेट। मलावा को लेकर बात करेंगे, 4 ओवर 37 रन 1 विकेट, सुने लूज 2 में 13, एंडी क्लार्क 2 में 10 रन 0 विकेट, ए डेरिक्सन 2 ओवर 13 रन 1 विकेट। सबसे सुखद बात यह है कि इनकी सुने लूज अब लगातार गेंदबाजी कर रही है। अब यहाँ पे देखिएगा साउथ अफ्रीका ओमेन अगेंस्ट न्यूजीलैंड ओमेन खेल के आ रही है, जहाँ पे बॉस की थी 5 रन, टी ब्रिट्स 0, वलवाडे 33, ट्रायन 2, सुने लूज 7, एंडी क्लार्क 11, डेरिक्सन की थी 19 रन। गेंदबाजी में खाका 2 में 11 रन 0 विकेट, मलाबा 2 में 18, उसके अलावा ये हुलवी 1 ओवर 7 रन, सेकुकु ने 2 में 8 रन 0 विकेट, सुने लूज 2 में 12 रन 0 विकेट, एंडी क्लर्क 1 ओवर 9 रन 0 विकेट, ए डेरिक्सन 2 ओवर 13 रन 0 विकेट, नायडू 2 में 12 रन 1 विकेट और ट्रायन 2 बॉल 5 रन 0 विकेट। अब आइए हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका ओमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। ओपनर आपको दिख जाएंगे सबसे सॉलिड में से एक प्लेयर वलवाडे और इनकी मुझे टॉप 3 जो है ना वो काफी सॉलिड नजर आ रही है। ओपनर वलवाडे के साथ आएंगे टी ब्रिट्स और मेरा ऐसा मानना है ये लोग 1 डाउन लेके जाएंगे ए वॉस को, फिर मैरिजाने का, फिर एंडी क्लर्क, ट्रायन, सुने लूज, ए डेरिक्सन, जाप्टा, काका, नायडू और सेखु खुने। गेंदबाजी में अगर यही अटैक लेके जाती है,
अगर एक गेंदबाज को शॉर्ट नहीं करती हैं, जो कि मुझे लगता है ये नायडू को या फिर यहाँ पे नायडू के अलावा डेरिक्सन को, इन दोनों में से किसी एक के जगह ये लेके जाएंगे, किसको, ये बोस को। गेंदबाजी में सेकोकू ने 2 से लेकर 3 ओवर, कभी कभी 4 भी डालती हैं। फिर यहाँ पे खाका का 4 कन्फर्म है, ट्रायन 3 से लेकर 4 ओवर, मैडिजाने कैप 4 ओवर, एंडी क्लर्क 4 ओवर। जब इनके पास देखिएगा ध्यान से तो मैडिजाने कैप, एंडी क्लर्क, ट्रायन, ये तीनों मेन बल्लेबाज भी हैं और गेंदबाजी भी मिलके 11-12 ओवर डालेंगे। जरूरत पड़ने पे सुनील लिज भी 2 से लेकर 3 ओवर डाल सकती हैं। और यही इस टीम की सबसे बड़ी मजबूती है कि इनके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करना जानते हैं और ऑप्शनल में ये गेंदबाज थोड़ा सा शॉर्ट लेके चल सकती है। अब आइए हम फटाफट यहाँ पे बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स को लेके। पहला नाम आ जाएगा वलवाडेट, हेड टू हेड औसत के ऊपर ध्यान देना, 9 मैच में 47 का औसत है और 232 रन है। रिसेंटली 29-33-45-36-11। टीम डिटेल्स को लेके बात कर लें, हेड टू हेड 4 मैच में 85 रन, रिसेंटली 22-0-0-9, 56 मैरिज आने के, आप जितनी तारीफ करें उतनी कम, हाई पोटेंशियल प्लेयर है। हेड टू हेड 19 मैच में 290 रन, 8 विकेट, रिसेंटली 14 रन 2 विकेट, 26 रन 1 विकेट 26 रन 3 विकेट 30 रन 1 विकेट, और अब लगातार गेंदबाजी कर रही है। इनके बाद अगर हम बात कर लेंगे तो आपको दिख जाएंगे एंडी क्लर्क, ये भी एक जबरदस्त आपके लिए एसेट्स रहने वाली है। हेड टू हेड 2 मैच में 0 विकेट, रिसेंटली 4 रन 0 विकेट, 11 रन 0 विकेट 0 विकेट, 12 रन 0 विकेट 0 रन 0 विकेट। सी ट्रायन हेड टू हेड 13 मैच में 96 रन, 4 विकेट, रिसेंटली 24 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 30 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट। सुनील लूज हेड टू हेड 12 मैच में 95 रन, 3 विकेट, रिसेंटली इनका फॉर्म अच्छा है, 3 रन 0 विकेट, 7 रन 1 विकेट, 14 रन 1 विकेट, 53 रन 1 विकेट, 27 रन 0 विकेट। इनके बाद आपको दिख जाएंगे यहाँ पे ए डेरिक्सन, हेड टू हेड ये जो है आई थिंक नहीं खेली है, रिसेंटली 1 विकेट, 19 रन 0 विकेट, 44 रन 0 विकेट, 1 विकेट 0 विकेट। अगर विकेट में पेसर के लिए मदद होता है तो डेरिक्सन आपके लिए ठीक ठाक पिक हो सकती है। हिट द डेक टाइप की गेंदबाज है जो कि रह रहे कि आपको बल्लेबाजी में भी आई थिंक मुझे अभी भी याद है लास्ट मैच जब ए डेरिक्सन खेल रही थी मैंने इनको एज ए बॉलर लिया था, गेंदबाजी में कुछ नहीं की, बल्लेबाजी में आके इन्होंने 45-50 कर दिया था और हम लोग वन साइडेड क्लीन स्वीप किए हुए थे, वो यहाँ पे होगा 44 पे नवाद। ये मैच वो था जिसमें हम लोगों ने वन साइडेड क्लीन स्वीप इनकी बल्लेबाजी के वजह से किया हुआ था। रिसेंटली 1 विकेट, 19 रन 0 विकेट, 44 रन 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। जक्टा को लेकर बात करेंगे, रिसेंटली 0, डू नॉट बैट, इनका डू नॉट बैट ही रहता है हमेशा। फिर अयवंगा खाका हेड टू हेड 4 मैच में 4 विकेट, रिसेंटली 5 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। इनके अलावा नायडू रिसेंटली 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। सेकोकू ने हेड टू हेड 6 मैच में 6 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट। अब आइए हम फटाफट बात करते हैं स्टार्टिंग ओवर्स को लेके। तो आपको स्टार्टिंग ओवर डालते दिख जाएंगे मेडिसन कैप, फिर यहाँ पे खाका और डेरिक्सन अगर गेंदबाजी करती हैं खेलती हैं तो ये भी आपको डालते नजर आ सकती हैं। डेथ में मेडिसन कैप, एंडी क्लर्क और खाका, कभी कभी सी ट्रोयन बेंच पे दिखेंगे ये बॉस, लेकिन मुझे लगता है कि ये बॉस को वह सब ये लोग सीधा प्लेइंग 11 में 1 डाउन लेके जाएंगी। रिसेंटली 3-5-46 और ये 46 वाली नॉक हमारी टीम में थी अगर आपको याद हो तो, 24 और 0। बाकी मुझे यहाँ पे एंड मलावा लगता है कि जो आपके लिए जबरदस्त इस विकेट पे पिक हो सकती हैं, 5 मैच में 4 विकेट हेड टू हेड, रिसेंटली 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। अब आइए हम पता करते हैं कि मैचअप में किसका क्या स्टेट्स है और कौन सी बल्लेबाज किसके सामने स्ट्रगल करती हैं। तो पहला नाम जब साउथ अफ्रीका ओमेन का आएगा तो आएगा मेडिजाने कैप का, दूसरा नाम आएगा इस टीम से वलवाडेट का, तीसरा सुने लूज का। तो मेडिजाने कैप मैथ्यूज का 53 बॉल खेली है, रन 61 आउट हुई है 5 दफा, समीमा कनेल का 28 बॉल खेली है, रन की है 35 आउट हुई है 2 दफा। वलवाडेट डॉटिन का ने वैली मैथ्यूज का खेली है 84 बॉल, रन 132 आउट हुई है 3 दफा। समीमा कनेल का 105 बॉल में इनका स्ट्रगल अच्छा है, सिर्फ 68 रन और 2 दफा आउट हुई है। सुने लूज हेले मैथ्यूज का 41 बॉल खेली है, 35 रन की है, 2 दफा आउट हुई है। डॉटिन का 27 बॉल, 24 रन, 2 दफा आउट हुई है। डॉटिन मोस्ट प्रोबेबली गेंदबाजी नहीं करेंगी। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई इस मैच को हमको खेलना कहाँ पे है। मैं तो इस मैच को हम लोगों को खेलना है एक्सेल 11 के ऊपर। रीजन क्या है कि पहले तो हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप वुमेन्स वर्ल्ड कप में यहाँ पे लगाते हो ज्यादा पैसा तो आप ले जाओगे रैंक 1 आने पे इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में iPhone 15, रैंक 2 पे OnePlus 12R, उसके अलावा iPad 9 Gen है, रैंक 3 पे, रैंक 4 पे नथिंग फोन है, फिर रैंक 5 पे सैमसंग स्मार्ट वॉच है। ऐसे करके आपको जो है 30 रैंक तक के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, 20 से लेकर 30 तक के लिए
1000 रुपीज बिल्कुल रियल कैश है जो कि आपको एक्सेल 11 के वैलेट में मिल जाएगा। तो भाई अब आपको बताओ कि इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट लीडरबोर्ड कोई क्या दे सकता है। और यहाँ पे अगर आप मान लो 10-20 हजार भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हो ना, तो आपका रैंक जरूर बन जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन अभी बिल्कुल फ्रेश है। और साथ में ये आपको दे रही है सबसे लोएस्ट कमीशन, किसी भी ऐप को उठा लो उसके तुलना में आपको सबसे लोएस्ट कमीशन देखने को मिल जाएगा। आप दूसरे ऐप पे ऐसा कुछ एंट्री फी देखोगे, यहाँ पे कुछ ऐसा आपको एंट्री फी देखने को मिल जाएगा। एक एक कंटेस्ट में आप कुछ ऐसे अमाउंट को सेव करके चल सकते हो। यही नहीं, पहले डिपॉजिट पे आपको मिलेगा 100% बोनस। जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे उसका 100% आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और इस ऐप में बोनस का अच्छा खासा यूज होता है। मिनी जीएल में जो एक मैं कंटेस्ट इसमें ऐड करवाया हूँ वो देखिएगा, 1284 रुपीज का कंटेस्ट है जो कि दूसरी ऐप पे 1390 रुपीज में आपको देखने को मिलेगा। 25 स्पोर्ट्स वाली वही 30,000 रुपीज जो मिलती है, जिसमें रैंक वन को 10,000 रुपीज मिलती है। तो वो मेरी फेवरेट कंटेस्ट भी यहाँ पे आ चुकी है। और इन्वेस्टमेंट लीडर होल्ड हो और वही इंस्टेंट विड्रॉल हो, GST TDS फ्री हो, सब कुछ आपको फीचर्स देखने को एक्सेल पे मिल जाएगा। तो देरी किस बात की करनी है, अभी के अभी जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप कमेंट में, वहां पे दिखेगा एक्सेल 11 ऐप का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सफर अभी के अभी एक्सेल 11 पे शुरुआत कीजिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस मैच सामने वाली टीम वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज टीम को आप एशियन कंडीशन में कतई कमजोर नहीं आंक सकते हो। ये टीम क्या है ना कि एशियन कंडीशन में अपने स्पिनर का जबरदस्त यूटिलाइज करती है और स्पिनर को इनके टीम के बल्लेबाज स्पेशली स्टेफनी टेलर, हेले मैथ्यूज, डॉटिन अच्छी खेल भी जाती है। इनका देखिएगा, ये अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हार के आ रही है प्रैक्टिस मैच, जहां पे इन्होंने 109 लगाई थी 10 विकेट नुकसान पे। मैथ्यूज 42, क्यू जोसेफ 36, एस कैंपबेल 9, डॉटिन 0, सीनेसन 4, उसके अलावा क्रिप्टन 0, एलिन 1 और यहाँ पे मंगरू 0 की थी। गेंदबाजी में जयदा जेम्स 2 में 10 रन 0 विकेट, मैथ्यूज 3 में 20 रन 1 विकेट, एम मुनिसार 2 में 15, रामरख 3 ओवर 16 रन 1 विकेट, एलिन 3 ओवर 24 रन 2 विकेट, फ्लेचर 4 में 36 रन 2 विकेट, शमीमा कनल 2 ओवर 13 रन 1 विकेट। अगर हम बात कर लेंगे एक और प्रैक्टिस मैच को लेके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वेस्ट इंडीज 20 ओवर में लगाई थी 121 8 विकेट नुकसान पे। मैथ्यूज 0, क्यू जोसेफ 1, कैंपबेल 20, नेशन 4, हेनरी 59, उसके बाद जयदा जेम्स 1, एलिन 0, फ्लेचर की थी 21। गेंदबाजी में हेनरी 4 में 11 रन 1 विकेट, जयदा जेम्स 1 में 10 रन 0 विकेट, मैथ्यू जबरदस्त 4 में 17 रन 4 विकेट, रामरख 1 में 10 रन 0 विकेट, फ्लेचर 3 में 23 रन 0 विकेट, कनेल 2 में 14 रन 0 विकेट और मुनिसार 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। अब आइए हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज वुमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। ओपनर आपको दिखेंगे मैथ्यूज और मैं ऐसा श्योर हूं कि इनके साथ ओपन कर सकती हैं क्यू जोसेफ, फिर स्टेफनी टेलर, कैंपबेल, डॉटिन को मे बी ये एज ए फिनिशर खिलवा सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है डॉटिन को बोले कि आप टॉप ऑर्डर में जाइए और पावर प्ले का जबरदस्त यूटिलाइज कीजिए। फिर यहाँ पे हेनरी, नेशन, एलिन, रामरख, कर्नल और आपको दिख जाएंगी एफी फ्लेचर। गेंदबाजी में हेले मैथ्यूज का 4 और यहाँ पे फ्लेचर का 4 और रामरख का 4, ये 12 ओवर तकरीबन मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट कन्फर्म है। बाकी रिसेंटली एलिन ने भी जबरदस्त खेल दिखाई है, तो 3 ओवर इनका भी आप मान लो, 15, 2 से 3 ओवर आप कनेल का मान लो, 17-18 हो गया। फिर यहाँ पे क्यू जोसेफ, हेनरी मिलके भी आपको 2-3 ओवर डालते नजर आ जाएंगी और अपने दिन क्यू जोसेफ का ओवर बढ़ भी सकता है। डॉटिन, स्टेफनी टेलर वैसे तो है पैकेज, लेकिन गेंदबाजी यहाँ कितना करेंगी वो देखने वाली बात होंगी। अगर हम प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लें, हेले मैथ्यूज का नाम सबसे ऊपर और होना भी चाहिए। हेड टू हेड 13 मैच में 227 रन 12 विकेट, रिसेंटली 42 रन 1 विकेट, 0 रन 4 विकेट, 13 रन 2 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 2 रन 4 विकेट। स्टेफनी टेलर हेड टू हेड 15 मैच में 307 रन 22 विकेट, रिसेंटली 6 रन 0 विकेट, 38-33-28-11। एस कैंपबेल हेड टू हेड 17 मैच में 124 रन 6 विकेट, रिसेंटली 9-20-0-25 और डू नॉट बैट। फिर आपको दिख जाएंगे डियंद्रा डॉटिन, हेड टू हेड 20 मैच में 494 रन 4 विकेट, रिसेंटली 0-6-12-53, 20 रन 0 विकेट। क्यू जोसेफ हेड टू हेड 3 मैच 2 रन 1 विकेट, रिसेंटली 36 रन 0 विकेट, 1-14 रन 0 विकेट, 11 रन 0 विकेट, 19 रन 3 विकेट। फिर सी हेनरी हेड टू हेड 2 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे नहीं खेली है, रिसेंटली 59 रन 1 विकेट, 1 विकेट 2 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 4 रन 1 विकेट। इनके बाद आपको दिखेंगी यहाँ पे शी नेशन, एक और बेहतरीन प्लेयर और यहाँ पे इनके लिए डिफिकल्ट कंडीशन में अच्छे पिक हो सकती हैं। हेड टू हेड 9 मैच 52 रन 2 विकेट, रिसेंटली 4-4-1-14-1,
ए एलिन हिट टू हिट तीन मैच में, दो विकेट रिसेंटली, एक रन, दो विकेट, जीरो विकेट, चार विकेट, एक विकेट, 18 रन, जीरो विकेट, और रिसेंटली जो इनका WPL चल रहा था वेस्ट इंडीज में, वहां पे ये जबरदस्त विकेट ले रही थी, प्लस बल्ले से भी कंट्रीब्यूशन दे रही थी। के रामदत्त को लेके बात कर लेंगे, हेड टू हेड तीन मैच में तीन विकेट, रिसेंटली एक विकेट, जीरो विकेट, जीरो विकेट, दो विकेट और जीरो विकेट। आपको दिख जाएंगे शमी मकनेल हेड टू हेड 11 मैच में 8 विकेट, रिसेंटली एक विकेट, जीरो विकेट, जीरो विकेट, दो विकेट, जीरो विकेट। एफी फ्लेचर हेड टू हेड 7 मैच में 4 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, 21 रन, जीरो विकेट, जीरो विकेट, जीरो विकेट और जीरो विकेट। बात करो स्टार्टिंग ओवर्स को लेके, आपको दिख जाएंगे यहाँ पे मैथ्यूज, शमी मकनेल, एफी फ्लेचर, डेथ में दिख जाएंगे आपको मैथ्यूज, के रामदत्त और यहाँ पे शमी मकनेल, एलिन भी। बेंच में दिखेंगी मंगरूम, मुनिसार, क्रैप्टन और जयदा जेम्स। अगर जयदा जेम्स खेलती हैं तो मिनी जीएल, जीएल में आप कंसीडर करके चल सकते हो। अब आइए हम फटाफट मैचअप्स को लेकर बात कर लेते हैं कि इनकी बल्लेबाज किस गेंदबाज के सामने फंसती है। पहला नाम हेले मैथ्यूज, जिनका देखिएगा वैसे तो मेरिजाने कैप के सामने सबका स्ट्रगल है, एंड मलाबा मेरिजाने कैप, मिर्जा ने कैप का 141 बॉल खेली है, 151 रन किए, 7 दफा आउट हुई है, खाका का 10 बॉल खेली है, 4 रन किए, 1 दफा आउट हुई है। डॉटिन का मेडिजा ने कैप 33 बॉल खेली है, 40 किए, 1 दफा आउट हुई है। मलाबा का 19 बॉल खेली है, 10 रन किए, 1 दफा आउट हुई है। सी नेशन का मेडिजा ने कैप 8 बॉल खेली है, 9 रन किए, 2 दफा आउट हुई है। और मतलब मेडिजा ने कैप नहीं, सी नेशन मेडिजा ने कैप का, मलावा का खेली है 11 बॉल, रन किए 10 और आउट हुई है 1 दफा। मतलब मेरे जाने के आपका सामने जबरदस्त स्ट्रगल है वेस्ट इंडीज बल्लेबाज का। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। तो मैंने विकेट कीपिंग में अपनी टीम में जगह दी कैंपबेल को, उसके अलावा मैंने बैटिंग से लिए वोलवाडेड को, ऑलराउंडर में मैथ्यूज, ट्रॉयन मेरिजाने कैप, सुनेलूज और एंडी क्लार्क हमारी टीम में होंगी। बॉलिंग से फ्लेचर, खाका, के रामरक और एन मलावा हमारी टीम की हिस्सा रहने वाली है। कैप्टन मैंने मैथ्यूज को दिए, वीसी मैंने दिए मेडिजाने कैप को। आप चाहो तो कैप्टन वीसी अपोजिट भी कर सकते हो, और रिस्क टेकर कैप्टन वीसी, ट्रायन, एंडी क्लर्क और वंगा खाका में से भी किसी एक को ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका वोमेन चेस करने जाती हैं तो आपके लिए जबरदस्त ग्रैंड लीग की कैप्टन रहने वाली है एल वोलवाडेड। बाकी ये तो हमारा जस्ट एक डेमो टीम है, फाइनल टीम में टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद कुछ ना कुछ फेरबदल होगा, जिसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रख लीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।